नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वाद सफ़र और ज़िंदगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा पफ। ये एकदम मैकडोनल्ड स्टाइल में बने होंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत आसानी से ये घर पे बन जाते हैं। बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं और इसे घर पर बहुत ईजीली बनाया जा सकता है। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसको बनाइए और इसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक डो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, ये 2 कप मैदा है। इसमें मैं सबसे पहले नमक डालूँगी, ये स्वाद अनुसार नमक है, इतने मैदे में जितने नमक की ज़रूरत हो उतना डालिए। इसके साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी, ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है। और आप चाहें तो इसके बदले बेकिंग पाउडर की जगह सोडा भी डाल सकते हैं, बस उसे थोड़ा सा कम डालिए। अब मैं इसमें तेल डालूँगी, ये 4 चम्मच तेल है, 2 कप मैदे में 4 चम्मच तेल, ये मेजरमेंट एकदम सही होता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों की हेल्प से। और अगर आप इसको मैदे की जगह आटे से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। मैं आज मैकडोनल्ड स्टाइल में बना रही हूँ, एकदम सेम जैसा हम मैकडी में खाते हैं, एकदम वही वाला टेस्ट आएगा। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसका आटा गूंथूंगी। ये देखिए हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है, एकदम सैंडी टेक्सचर होना चाहिए इसका। मिक्स अच्छे से करिए और जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मैदा ले लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक आटा गूंथूंगी। बहुत सारा पानी एक साथ मत डालिए और इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है, थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा, पूड़ी का आटा होता है वैसा ही बनाना है। अच्छी तरीके से हाथों से दबा दबा के इसको गूंथें और पानी हाथों में लेकर डालें, डायरेक्टली मत डालें। डायरेक्ट डालने से कभी कभी पानी ज़्यादा गिर जाता है और हमारा जो डो होता है वो गीला हो जाता है। और ये जो पिज़्ज़ा पफ मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इसको आप बना के अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपके घर में पार्टी हो या बर्थडे हो, गेस्ट आने वाले हो, तो आप बना के इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए। और जैसे ही आपके गेस्ट आए आप इसको फ्राई कर दीजिए, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। ये देखिए मैं किस तरीके से दबा दबा के इसको अच्छी तरीके से गूंथ रही हूँ। बहुत अच्छे से इसका आटा हमें बनाना है और बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालूंगी। इतना आटा गूंथने में मैंने आधी कटोरी पानी का यूज़ किया, कटोरी का साइज थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आधी कटोरी लगा। अभी अच्छे से सेट हो गया है, इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद इसको रेस्ट करने के लिए आधा घंटे के लिए रख दूँगी। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दूँगी, इसको जैसे पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं वैसे ही इसको थोड़ा सा पीछे तरफ फोल्ड करना है, एक राउंड सा बना के इसको आधा घंटे के लिए रख दूँगी। आधा घंटे बाद हम इसको खोलेंगे, तब तक ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तब तक मैं इसके अंदर की एक फिलिंग बना लेती हूँ सब्जियों वाली। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है, उसमें 1 चम्मच बटर डाला है। बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे, पैन को हिला के इसको चारों तरफ से फैला देंगे। और अगर आप चाहें तो बटर की जगह इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच तेल डालिए, ज़्यादा मत डालिए अगर तेल डाल रहे हैं तो। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ, लहसुन, 3 लहसुन है कटे हुए, वो मैं इसमें डाल के इसको फ्राई करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ, हरी मिर्च, ये 1 मिर्च है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्ची को स्किप कर सकते हैं, और अगर डालना है तो बहुत थोड़ी डालिए। बाद में हम इसमें काली मिर्च भी ऐड करेंगे, तो बच्चे अगर ज़्यादा तीखा ना खाते हो तो हरी मिर्च को छोड़ दीजिए। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसके साथ में अब इसमें
एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी। आप अपने पसंद की जो भी सब्जियां इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। जो भी सब्जी आपकी पसंद की हो वो डालिए। और इसके साथ ही मैं इसमें एक गाजर डाल रही हूँ, ये बड़ी वाली गाजर थी, और गाजर को मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था, घिस लिया था। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी सी क्रस्टी रखनी है। मिक्स करके इसे 2-3 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि बाद में फ्राई होगी तभी सब्जियां वैसे भी पक जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा इसे अभी पका लेंगे तो ये अपना सारा पानी छोड़ देगी। ये देखिए 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको भूना था। अब मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ, ये 1 कप है, और इसके साथ ही मैं इसमें मटर डालूंगी। मैं इसमें फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप हरे मटर ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पहले बॉईल कर लीजिए, फिर इसमें डालिए। और इसके अलावा अगर आप पत्ता गोभी डाल रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। टमाटर इसमें नहीं डलता है तो टमाटर मत डालिए। कितना कलरफुल लग रहा है ये, इसकी फिलिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए इसको पूरा टाइम मैं हिला रही हूँ, उसको मैंने ज़्यादा देर अकेले नहीं छोड़ा है, और इसको मैंने ढाका भी नहीं है, ओपनली इसको पकाया है। अब मैं इसमें थोड़े से ऑरिगैनो डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें पिज़्ज़ा मिक्स डालूंगी। ये आधा आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। चिली फ्लेक्स मैं काफ़ी कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है और चिली सॉस भी डालूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें केचप डाला, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से रखिए, अगर चिली फ्लेक्स भी अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। इसकी सब्ज़ी जो है, इसकी फिलिंग जो है, इतनी टेस्टी लगती है, एक दो चीज़ छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया, और इसको मिक्स कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। 3 से 4 काली मिर्च को मैंने इस तरीके से क्रश करके डाला है। कूटी हुई काली मिर्च डलेगी इसमें। इसकी जो फिलिंग होती है एकदम पिज़्ज़ा जैसी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें 1 चीज़ क्यूब डाल रही हूँ, यामुल का चीज़ क्यूब है। इसको मैंने काटा नहीं है, क्योंकि ये इतनी गर्म है कि ये वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। इसको इसमें छोड़ दूंगी 1-2 मिनट के लिए, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालिए। चीज़ में बहुत नमक होता है तो कम ही डालिए। इसके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। चीज़ हमारी अपने आप मेल्ट हो जाएगी, और आप इसमें अपनी पसंद की जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसमें चीज़ क्यूब डाल रही हूँ, और इसके साथ में इसमें चीज़ स्लाइस का भी यूज़ करूँगी। चीज़ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए ये कितने अच्छे से मेल्ट हो गया, काफ़ी चीज़ी हो गई है ये फिलिंग। इसके साथ में इसमें 1 पूरा चीज़ स्लाइस डालूंगी। ये दोनों चीज़ मैंने अमूल की ली है, आप चाहें तो और भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। घर पे बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से जो डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। हमारी सब्ज़ी वहाँ पर बन गई है, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मेरा जो आटा है उसे भी रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है। अब इसे हाथों से थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ये एकदम सही है, ना गीला है ना टाइट है, एकदम परफेक्ट आटा है हमारा। ज़्यादा नहीं मसलना है, बस 1-1/2 मिनट के लिए इसको सेट कर दूंगी। इसके बाद इसको रोल करके
दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ और इसको रोल करके इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो दो पार्ट में ना डिवाइड करके एक ही बड़ा सा बना दीजिए, रोटी बना दीजिए, लेकिन मैं दो में कर रही हूँ क्योंकि एक सिंगल बनाऊंगी तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम रहेगा ये। जो हमारे साइड्स हैं उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से इसको बेलना है। और इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसे गोल ही बनाएं, वैसे भी हमें इसको कट करना है तो इसको स्क्वायर भी बेल सकते हैं, बस ये ज़्यादा मोटा ना हो ये ध्यान रखना है। एक बड़ा सा मैंने इसका रोटा बना दिया, रोटी बना दी, इतनी बड़ी है तो रोटा ही हुआ। अब इसको मैं पिज़्ज़ा कटर से साइड से इसके कट करके इसको एक स्क्वायर शेप दे दूंगी। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ये हमारी एक शील्ड बन गई। अब मैं इसको बीच से एक और पार्ट में काट दूंगी। अब एक पोर्शन इसका साइड कर लेती हूँ और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसके मैं तीन और स्लाइस बना लेती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा साइज मेरे पफ का एकदम मुझे लग रहा है। आप और बड़ा रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और बड़ा काटिए। अब मैं इसका एक पोर्शन ऐसे रखूँगी और इसके साइड्स में मैं पानी लगाऊंगी अपनी फिंगर्स की हेल्प से। पानी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जो इसमें फिलिंग डालें और वो अच्छे से चिपक जाए, निकले ना। इसके बाद मैं इसमें फिलिंग डालूंगी। जो हमने सब्जियां बनाई है उसको एकदम गरम गरम मत डालिए, उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी ठंडी हो जाए तभी डालिए। और इसको थोड़ा से लंबे शेप में डालना है। ऊपर से इसमें दूसरी शील्ड रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से हाथों से डैप करते हुए दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। पानी इसलिए लगाते हैं कि ये दोनों शील्ड जो है वो आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए इसी तरीके से मैं एक और बनाना आपको बता देती हूँ। पानी लगाना है चारों तरफ से और इसके ऊपर अपनी इसके अंदर फिलिंग डाल दी है। मैंने इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और ऐड करी थी क्योंकि इसमें चीज़ का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। लंबे लंबे शेप में फिलिंग डालनी है, दूसरी शील्ड रखेंगे और अच्छी तरीके से अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको प्रेस कर देंगे, कहीं से भी ये खुला ना रहे। ये हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी बाहर की डिजाइन बनाऊंगी। मैं एक फोक लूंगी, उसकी हेल्प से इस तरीके से इसको प्रेस करूंगी। ये देखिए लग रही है ना एकदम मैकडोनल्ड्स वाली मफिन। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। अच्छी तरीके से दबा दबा के पहले इसकी डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद जो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, थोड़ा सा शेपलेस हो रहा है, इसको मैं कटर की हेल्प से एकदम इवन कर दूंगी, एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दूंगी। बहुत इजी होता है इसे बनाना। हम जब खाने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये इतना इजीली घर पे बन जाता है और इतना टेस्टी लगता है, बिल्कुल मैकडोनल्ड्स वाला टेस्ट आता है। देखने में भी सुंदर और खाने में तो माइंड ब्लोइंग। ये देखिए मैंने अपने सारे पफ बना लिए, इनको रेडी कर दिया। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। मैंने एक पैन में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है और इसको मैंने एक खुले पैन में रखा है। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में भी इसको तल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए और मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई होंगी। एक एक करके इसको डालूंगी, एक बार में जितनी आए उतनी ही डालिए। इसलिए मैंने इसको ओपन पैन में रखा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती हैं, कढ़ाई में उतनी ज़्यादा एक बार में फ्राई नहीं हो पाती। इसमें तीन आ गई, इनको एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई होने दूंगी, उसके बाद इसको पलटूंगी
और पीछे से भी फ्राई करेंगे। बहुत सावधानी से करिए, खुलनी नहीं चाहिए। वैसे तो हमने इसमें पानी लगा के इसको इतने अच्छे से प्रेस किया है कि ये बिल्कुल नहीं खुलेगी, लेकिन फिर भी सावधानी रखिए। इसको एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर देना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर है, मैंने इसको फ्राई कर लिया। इसे मैं एक टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ, उससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी बाहर आ जाएगा। बस इसी तरीके से मैं अपनी सारी पिज़्ज़ा पफ फ्राई कर लूँगी एक एक करके। ये देखिए ये एकदम रेडी हो गए हैं, अब इनको सर्व करते हैं। हमारे पिज़्ज़ा पफ एकदम रेडी है, अंदर से ये इतने टेस्टी हैं, बाहर से एकदम क्रस्टी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, एकदम मैकडोनल्ड्स जैसे बने हुए हैं। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए आपको हमारी डिश कैसी लगी। थैंक यू।